एक लड़के अपने बॉस के बेटे से ही अफेयर करते हैं। उन दोनों ने मिलकर बॉस को फंसाने का प्लान बनाया, पर सारी चीजें जिस तरीके से सिंपल लग रही थी वैसे सिंपल थी नहीं। इसके पीछे बहुत सारे राज दफन थे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्पाइडर्स वेब ये 2002 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसके ट्विस्ट के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर लॉरेन को देख सकते हैं। एक बड़ी सी कंपनी में एनालिस्ट थे। अलग अलग कंपनी किस कंडीशन में, कंपनीज के स्टॉक, इन सारी चीजों के बारे में उसे बहुत सारा नॉलेज था। आज रात भी अपने ब्रोकर के साथ वो काम करने वाली थी। एक कंपनी को लॉस होने वाला है, इसके बारे में वो डिस्कस करती है। रात में उसे कंपनी देने के लिए आज उसके साथ कोई था। उसके साथ वो इंटीमेट हो जाती है, पर सुबह होते ही उसने घर से निकाल दिया क्योंकि उसे काम पर जाना था। काम पर जाने से पहले लॉरेन मैनी से मिली। मैंने उसके फादर के फ्रेंड थे। वो पहले पुलिस में थे पर करप्शन की वजह से उन्हें निकाल दिया है, पर आजकल वो डायरेक्टर का वर्क करते हैं। लॉरेन ने उन्हें कुछ लोगों का पीछा करने का काम दिया था। एक्चुअल में लॉरेन की कंपनी जिस कंपनी के साथ आज डील करने वाली है उन्हीं पर लॉरेन नजर रख रही थी। इस मीटिंग में लॉरेन ने अपने बॉस के सामने एक प्रपोजल रखा जो करना उसे अलाउड नहीं था। एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बात करते हुए वो कहती है आपको जल्द से जल्द उस कंपनी से बहुत सारे पैसे निकाल लेने चाहिए। इस बात पर उसके बॉस सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लग रहा था कि बहुत ही घटिया एडवाइस है। बॉस के जाने के बाद लॉरेन का मैनेजर उससे बात करता है, कहता है तुम्हें प्रपोजल देने के लिए किसने कहा था। उसने गुस्से में उसे फायर कर दिया। लॉरेन का डे खराब था तो डायरेक्टली रात में बार में आई। उसे एक आदमी अप्रोच कर रहा था। वो पहले तो उसे उतना ज्यादा भाव नहीं देती, पर लॉरेन ने बॉस के बेटे को मीटिंग में देखा हुआ था। वही बेटा आज बार में किसी और के साथ आया हुआ है। लॉरेन को जरा अकेला लगता है तो इस वजह से उससे वो बात करने लग गए। उस आदमी ने लॉरेन के लिए ड्रिंक्स बाय किए, पर जब लॉरेन वॉशरूम जाती है तो उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है। ये बेहोशी का ड्रग था। लॉरेन की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। वो आदमी उसे अपनी गाड़ी के पास लेकर जाता है और जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने वाला था, पर तभी बॉस का बेटा वहां पहुंच गया। इसका नाम है क्ले। क्ले ने उस आदमी को बहुत मारा और लॉरेन को उसके घर पर सेफली वो पहुंचा देता है। लॉरेन का ख्याल रखने के लिए वो रात भर उसके साथ ही रुका। लॉरेन को जब होश आया तो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्ले कहता है क्या तुम्हें पता है कि उस आदमी ने तुम्हारे साथ किया क्या था। लॉरेन कहती कि हाँ, मैं वैसे भी ड्रंक नहीं होती। लॉरेन ने क्ले को उसके लिए कोक लाने के लिए कहा। लॉरेन कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, हर जगह पर मैं तुम्हें देख रही हूँ। क्ले को इस पर गुस्सा आता है। उसने उसकी हेल्प की थी। वो कहता है तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए था। वो गुस्से में यहाँ से जा रहा था पर लॉरेन ने उसे रोक लिया। वो पूछती कि तुम रात में घर क्यों नहीं गए। वो कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था, अगर मेरी जगह कोई और होता तो यही करता। कल की मीटिंग में लॉरेन और क्ले ये दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रैक्टेड थे। लॉरेन उसके पास आती है और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लॉरेन उसे पूछती कि कल रात तुम किसके साथ थे। क्ले ने कहा कि वो सिर्फ मेरी फ्रेंड थी। ये दोनों इंटीमेट हुए और फिर लॉरेन को कॉल आता है। जैसा उसे लगा था कि कंपनी डूबने वाली है वैसा ही हुआ है। उसे बॉस ने अपने ऑफिस में बुलाया। लॉरेन ने जो कहा था वो सही था और उसका मैनेजर गलत। इस बात पर बॉस गुस्सा होकर मैनेजर को फायर कर देता है। लॉरेन को उसका जॉब और एक प्रमोशन भी मिल चुका था। ये सब देखकर क्ले भी इम्प्रेस था। बाद में दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। क्ले ने कहा कि मेरे पास घर पर ग्लास का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, अगर तुम चाहो तो मैं कभी तुम्हें दिखा सकता हूँ। लॉरेन कहती कि चलो अभी चलते हैं। ग्लास का कलेक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल था। क्ले कहता है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हमने एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, इसकी ब्यूटी एंजॉय करने के लिए हमने बाय किया है। लॉरेन यही पर क्ले को किस करने लगती है। क्ले ने कहा मेरे फादर कभी भी आ सकते हैं, पर फिर भी वो नहीं मानी। ये दोनों फिर यही पर इंटीमेट हो गए। जब लॉरेन इस घर से जा रही थी तो अभी अभी जिस मैनेजर को फायर किया उस पर नजर रख रहा था। उसे लग रहा था कि लॉरेन कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही है। आज जब लॉरेन काम पर आई तो उसे लगता है कि उसे एक बड़ा सा अकाउंट हैंडल करने के लिए मिलेगा, पर वैसा कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ एक वुमन है तो इस वजह से उसे अकाउंट नहीं दिया जाता। इस बात पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। अब इसके बाद थोड़े दिन गुजर चुके। लॉरेन और क्ले की रिलेशनशिप जरा आगे बढ़ चुकी थी। क्ले लॉरेन को जिस तरीके से देख रहा था ये देखकर लॉरेन कहती है जो तुम्हें कहना है ये प्लीज मत कहो। क्ले उसे आई लव यू बोलने वाला था। लॉरेन कहती है मेरी पहले भी शादी हुई थी, वो मुझे छोड़कर चला गया, वो फिर से हर्ट नहीं होना चाहती। क्ले लॉरेन को एक बहुत ही कीमती ग्लास का शोकेस गिफ्ट देता है। वो कहता है मेरे फादर सिर्फ इसे एज एसेट देखते हैं, पर मैं इसमें ब्यूटी देखता हूँ। लॉरेन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि मेरे फादर ने एक नई ब्रांच ओपन की है, वहां पर मुझे अच्छा सा जॉब मिल सकता है। अब जब तुम मेरे साथ हो तो मेरे फ्यूचर के बारे में मैं सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता।
अगर तुम मेरा साथ दो तो मेरे फादर के सारे पैसे मेरे हो सकते हैं। इस सब के बारे में लॉरेन ने सोच लिया। अगले दिन लॉरेन की एक मीटिंग होती है जिसमें उसकी कंपनी एक बहुत बड़ी डील करने वाली थी। इसके बारे में लॉरेन ने सोचा और क्ले से वो बात करती है। कहती है, अगर तुम चाहो तो सारे पैसे हमारे हो सकते हैं। क्ले कहता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, अब भी मेरे पास पैसे हैं, हम अगर जाए तो कहीं भी जा सकते हैं। लॉरेन ने कहा कि पैसे ना होना ये क्या होता है मुझे पता है, वो फिर से गरीब नहीं बनना चाहती, इस वजह से ये पैसे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वो फिर क्ले के फादर से पैसे किस तरीके से चुराने हैं इसका वो प्लान बनाती है। उसने जाकर मैनी को हायर किया। मैनी उसके लिए वरीड था कि वो कुछ भी गलत ना करे। लॉरेन कहती है, ये फुल प्रूफ प्लान है, इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती। ये प्लान समझाते हुए लॉरेन ने कहा कि तुम्हारी कंपनी एक बड़ी कंपनी को बाय करने वाली है, ये बाय करते वक्त इस डील पर मैं ही नजर रखने वाली हूँ। जब हमारी कंपनी पैसे ट्रांसफर करने वाली होगी तो मैं बैंक का नेम चेंज कर दूंगी, अलग बैंक में सारे पैसे चले जाएंगे जहां पर हमारा अकाउंट होगा। इतने सारे पैसे चुराने के बाद इन्हें एक नई आइडेंटिटी लगेगी, तो यही बनवाने के लिए एक लड़की के पास हो गए जो हैकर थी और ये आइडेंटिटी वगैरह बदल सकती थी। इसके लिए उसने बहुत सारे पैसे लिए पर फिर भी लॉरेन इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉरेन के घर में एक्स मैनेजर आया हुआ था। लॉरेन के घर से उसके सारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेता है। लॉरेन अपने ब्रोकर के पास गए, अपनी कंपनी के सामने की बिल्डिंग में वो फ्लैट हायर करती है। उसका प्लान था कि उसका बॉस जब पैसे ट्रांसफर करेगा तो उसका पासवर्ड वगैरह वो सब कुछ ले लेगी, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वो डील के सारे डॉक्यूमेंट्स बॉस के पास सबमिट करती है। बैंक में जाकर एक फेक अकाउंट भी उसने निकाल लिया। बॉस पर दूर से नजर रखते हुए उसके सारे पासवर्ड उन्होंने निकाल लिए और सारे पैसे वो ट्रांसफर कर लेते हैं। आज ये दोनों बहुत ही खुश थे तो डायरेक्टली इंटीमेट हो गए। प्रीवियस सीन में हमने देखा था कि जिस लड़के ने लॉरेन के लिए फेक आइडेंटिटी बनाई हुई थी उसके पास एक्स मैनेजर गया, वो डायरेक्टली उसे मार देता है। मूवी के फर्स्ट में लॉरेन को एक आदमी ने जबरदस्ती की थी, उसी आदमी को एक्स मैनेजर क्ले के घर में लेकर आता है। वहां पर उसने उसे मार दिया, फिर गैस ऑन कर वहां से चला जाता है। जाते जाते उसने घर में ब्लास्ट कर दिया था। इससे अब सबको लगने वाला था कि क्ले की डेथ हो गई। एक्चुअल में एक्स मैनेजर क्ले के लिए काम कर रहा था। सारे काम हो जाने के बाद ये उसके पास आया पर क्ले उसे ही मार डालता है। रात में जब मैनी अकेला था तो उसके पास भी क्ले गया, उसका भी उसने मर्डर कर दिया। सारे पैसे हमेशा से क्ले अपने लिए पाना चाहता था। उसने लॉरेन के साथ जो भी किया ये मैनेजर के साथ मिलकर पहले से उसका सारा प्लान था। लॉरेन रात में अपनी फेक आइडेंटिटी लेने के लिए गई पर वहां पर उस लड़की का मर्डर पाती है। उसे फिर पुलिस का कॉल आया कि मैनी की डेथ हो चुकी है। ये न्यूज सुनने के बाद लॉरेन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। क्ले उसके साथ था तो उसे सहारा देता है। सुबह होने पर लॉरेन को क्ले पर शक आ गया था। उसने कांच से अपने आप को कट किया और अपना खून अपार्टमेंट में डाल देती है। उसने फिर क्ले को एक होटल में छोड़ दिया जहां पर वो शाम तक रुकने वाला है, उसके बाद एयरपोर्ट जाकर अलग कंट्री में चला जाएगा। अब लॉरेन को क्ले को अपने अकाउंट के पासवर्ड लेने थे। लॉरेन ने अब तक अपना जो भी प्लान बनाया था ये सारा एक स्ट्रीट के कॉन आर्टिस्ट को देख कर उसी को उसने अप्रोच किया। ये कॉन आर्टिस्ट कार्ड्स को प्ले कर अलग अलग ट्रिक से लोगों को कॉन करता था। लॉरेन उससे जाकर बात करती है, कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा जॉब है। उसने क्ले को उसे दिखाया, कहती है इसे तुम्हें पासवर्ड चुराना है, उस पर दिन भर तुम नजर रखना, तुम्हें इसके बदले में बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, तुम कभी भी इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये जॉब करने के लिए भी वो मान गया। इसके बाद लॉरेन अपने ऑफिस में गई पर वहां पर उसका पुलिस वेट कर रहे थे। पुलिस उसे कहते हैं मैनी क्ले और तुम्हारा एक्स मैनेजर ये सारे डेड है, इन सारी की डेथ में सिर्फ तुम ही कॉमन हो। लॉरेन इस पर चिढ़ जाती है और पुलिस को कुछ भी नहीं बताती। पुलिस ने नोटिस किया कि लॉरेन की आंख सूजी हुई थी, ये निशान लॉरेन ने खुद जानबूझकर बनाया हुआ था। लॉरेन का बॉस उसे पूछता है कि अब तक डील कंप्लीट नहीं हुई। लॉरेन कहती है आज शाम तक पूरी डील कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी देर में कॉन आर्टिस्ट ने क्ले से पासवर्ड चुरा लिया था और लॉरेन से मिलने के लिए आया। उसके साथ बहाना बनाकर ऑफिस से चली जाती है। बॉस को पता चला कि लॉरेन ने सारे पैसे निकाल लिए हैं। उसे रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता। कॉन आर्टिस्ट ने कहा कि मुझे पता है कि उस अकाउंट में कितने पैसे हैं। मुझे इसमें से कितने मिलेंगे। लॉरेन कहती कि 50%। वो भी ये देखकर खुश हो गया था। ये दोनों मिलकर फिर इस कंट्री से बाहर चले गए। लॉरेन ने पुलिस को कॉल किया और कहा कि क्ले अभी भी जिंदा है। उसने कहा कि आज शाम वो एयरपोर्ट पर आपको मिल सकता है। लॉरेन नाटक करती कहती है मुझे धमका रहा था, मेरी जान भी खतरे में है। पुलिस कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, पर लॉरेन ने कहा पहले तुम क्ले को ढूंढो, उसके बाद मैं खुद आ जाऊंगी। पुलिस ने फिर शाम में क्ले को पकड़ लिया
वो लॉरेन को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसके अपार्टमेंट में उसका खून पाते हैं। लॉरेन अपनी गाड़ी भी पीछे छोड़ कर गई थी। पुलिस को इसमें क्ले की DNA वगैरह मिलते हैं। वो इस सब से अजूम करते हैं कि क्ले ने लॉरेन को मार दिया। क्ले इस सब में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। लॉरेन के पास क्ले के अकाउंट के पासवर्ड आ चुके थे तो डायरेक्टली सारे पैसे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। वो एक अलग कंट्री में जाकर सेटल हो गई थी। उसने तो क्ले पर बिलीव किया था पर क्ले धोखेबाज निकला तो उसे वो बदला ले लेती है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।